दोस्तों, BTS ने काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ही उन्होंने एक बहुत ही खास चीज़ अचीव करी है दोस्तों? वो ये है कि जुलाई में BTS को अपनी कंट्री के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉइस के रूप में अपॉइंट किया गया था। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप BTS से प्यार करते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में ही BTS को ब्लू हाउस में इनवाइट किया गया था। दोस्तों, वहां पर जाने के बाद BTS की मुलाकात हुई कोरिया के प्रेसिडेंट मून जे से। दोस्तों, असल में वैसे तो BTS को जुलाई में ही अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में ही उनकी एक बहुत ही बड़ी अपॉइंटमेंट सेरेमनी रखी गई थी। दोस्तों, इस सेरेमनी में सभी मेंबर शामिल हुए थे और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। उन्होंने ब्लैक कलर के सूट पहने थे और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डिसेंट भी लग रहे थे। दोस्तों, इस सेरेमनी को लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा था और साथ ही साथ इसकी लाइव रिपोर्टिंग भी करी जा रही थी। दोस्तों, असल में इस सेरेमनी में हर मेंबर को उनके अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए थे। दोस्तों, इस मूवमेंट को आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा शेयर करा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है कि उनके आइडल्स ने इतनी बड़ी चीज़ को अचीव कर लिया है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस इवेंट में काफ़ी सारे क्यूट मोमेंट्स भी देखने को मिले थे, जैसे RM का हंस के प्रेसिडेंट को ग्रीट करना और J-Hope का उन्हें थम्सअप दिखाना। दोस्तों, इसके साथ साथ सभी मेंबर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, आप हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि वहाँ हमने आपके लिए BTS से जुड़े काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो उन्हें चेक करें और उनसे परचेज भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि स्पेशल इनवॉइस वो होते हैं जो कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हालांकि वो पॉलिटिकल ऑफिशियल्स नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास पॉलिटिकल पावर भी होता है। और दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाली UN असेंबली के बाद BTS अपनी वर्किंग भी शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ सबसे खास बात ये है कि प्रेसिडेंट ने BTS को एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी गिफ्ट किया था, जिसके साथ उन्होंने उन्हें फाउंटेन पेन भी गिफ्ट किया है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये एक खास तरीके का पासपोर्ट होता है जो काफ़ी कम लोगों को दिया जाता है, जो हालांकि नॉन ऑफिशियल्स होते हैं लेकिन कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की एक खास बात ये होती है कि इस पासपोर्ट से आप 100 से ज़्यादा देशों में ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, सोचा जाए तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट मानी जा रही है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो कंट्री से बाहर जाते हैं अपनी कंट्री के काम से। तो दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई भी कॉन्सर्ट किया जाता है या वर्ल्ड टूर किया जाता है, तो अब उसमें सिर्फ BTS का नाम नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ अपने देश का नाम भी आगे लेकर जाएंगे। दोस्तों, BTS एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो सबके दिल में बसते हैं। और दोस्तों, शायद हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी बॉय बैंड को पॉलिटिकल पावर दी गई है। दोस्तों, हालांकि कोविड में BTS ने बताया था कि वो लोगों की मदद करना चाहते थे और उनके पास रिसोर्सेज भी थी, यानी उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिनसे वो लोगों की मदद कर सकते थे। हालांकि दोस्तों, उनके पास सबसे बड़ी चीज़ नहीं थी, वो थी पावर। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो अपनी कंट्री के लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, ना ही किसी पॉलिटिकल मैटर में बोल सकते थे, और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस थे। वो बाहर जाके किसी की भी मदद नहीं कर सकते थे। और दोस्तों, शायद इसीलिए उनकी इस विश को मान लिया गया और उन्हें स्पेशल इनवॉइस की तरह अपॉइंट किया गया है, ताकि वो युद्ध को सही रास्ता दिखा सके और अपनी कंट्री को आगे ले जा सके। और दोस्तों, आर्मी को विश्वास है कि वो अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से निभाएंगे, और उनकी इस अपॉइंटमेंट के बाद आर्मी बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट है। और इसके साथ साथ BTS भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप भी BTS की अपॉइंटमेंट से खुश हैं तो इसे हर आर्मी तक ज़रूर पहुंचा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।